लिसन केयरफुली, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं की तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। जो भी रिसेंटली कोलकाता में रेप केस हुआ, उनके पिता को ये बता दिया जाता है कि आपकी बेटी का रेप नहीं हुआ है, आपकी बेटी तो सुसाइड की है। इतना बुरा सिस्टम कैसे हो सकता है? इस मामले को दबा के रख दिया जा रहा है, कोई न्यूज़ चैनल, कोई सोशल मीडिया पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये शब्द सुन के भी रूह कांप जाती है, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके। कोई इतना हैवानियत भरा सोच कैसे रख सकता है? इतना बड़ा राक्षस कैसे हो सकता है? कोई इतना बुरा तो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता। सोसाइटी में ये बोल दिया जाता है कि रात में लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। क्यों? आपका लड़का बहुत शरीफ है? हो सकता है आपके लड़के के अंदर हैवानियत भरी हो, आप पहले उसको तो अंदर रखो। लड़की है, उसकी क्या गलती थी भाई डॉक्टर की? क्यों सिर्फ लड़की है? लड़की है, यही वो गलती थी उसकी, यही वजह है। इस चीज़ को दबाना नहीं है। क्या हुआ हम रास्ते पर नहीं उतर सकते? तो कम से कम हमारे पास सोशल मीडिया है, हम पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को फुर्सत कहाँ है? हम लोग तो कमेंट में करते हैं लड़की ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह, कुछ भी कर सकते हैं। पहले इस चीज़ को दबा के रखो भाई। आज जिस चीज़ पे बात करनी है उस चीज़ पे बात करना है, जो भी हुआ उसको दबना नहीं है। दूसरे देश को क्या सुधारेंगे जब अपना देश खुद ही सुधरा नहीं है? दूसरे देश की बात करते हैं हम लोग, पहले खुद का सिस्टम तो सुधार लें हम लोग। इतना बुरा सिस्टम है कि जो रेप केस है उसको सुसाइड केस बना के दबना दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस मामले को दबने मत दें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर